पुरंजन, राजा पुरंजन का उपाख्यान आता है। पुरंजन राजा वो भी मोहग्रस्त हो गया अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी से इतना आसक्त था पुरंजन राजा कि पत्नी के साथ ही 24 घंटे रहते थे। वो उठती है तो ये भी उठते थे, वो बैठती है तो ये भी बैठते थे, वो सोती है तो ये भी सोते थे। वो जो करती है उनके साथ, ये पुरंजन नाम का जो राजा है वो भी उनके पत्नी के जिससे 24 घंटे उनके साथ रहते थे। और आखिर में क्या उनकी मृत्यु हो गई, लंबा कहानी शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर उस मोह के कारण जो है उनकी पत्नी से जो आसक्ति था उनको, उसके कारण क्या हुआ, उस वो अगले जन्म में स्त्री बन गया। क्योंकि जिससे हम ज्यादा आसक्त रहते हैं तो मृत्यु के समय पर वही याद आता है, और मृत्यु के समय पर जो हमको याद आता है अगले जन्म में वही बनते हैं। तो क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी पत्नी से बहुत आसक्त रहा तो मृत्यु के समय पर उसी के बारे में सोचा तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। तो अगले जन्म में स्त्री हो गया। तो इस बार उनका जो पति था वो बहुत बड़े भक्त थे, मलयध्वज राजा। उनका जो पति था वो बहुत बड़े भक्त, भगवान के भक्त थे। तो उनकी सेवा करते करते उनके अंदर कुछ भक्ति का भावना भी आ गई। और जब उनका पति का देहांत हो जाता है, मलयध्वज राजा का, तो उनकी पत्नी जो है, जो पिछले जन्म में पुरंजन राजा थे, तो पत्नी बहुत दुखी होने लगी कि मैं भी अपने शरीर को एंड कर दूंगी, सती कर दूंगी। तो तब उनका पुराना मित्र आता है, पुराना मतलब कहीं जन्मों पुराना मित्र, और वो आता है, बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं परमात्मा हूं। वो बोलते हैं कि आप मुझे भूल गए हो, पिछले जन्म में पत्नी से आसक्त थे इसलिए स्त्री बन गए हो, इस बार पति से आसक्त होकर अगले जन्म में फिर पुरुष बनोगे, फिर इस तरह से तुम्हारा चक्र चलता रहेगा, बार बार जन्म लेना। तो इस बार ये सारे आसक्ति छोड़कर मेरे ऊपर आसक्त हो जाओ। तो इस तरह से वो जो स्त्री है फिर वो भगवान की भक्ति करने लगती है। तो इस प्रकार से पुरंजन राजा, गजेंद्र जो हाथी है वो भी मोहित हो गया था। उसको भी लगा था कि उनके बहुत सारे हाथी परिवार है, बहुत हथनी है, बच्चे हैं, और हाथी तो सबसे ताकतवर जानवर होता है। तो बहुत आनंद में मस्त था, मग्न था। तो उसके सारे मोह एक साथ खत्म हो गए जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, और मगरमच्छ के साथ लड़ते 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 उनके सारे शक्ति खत्म हो गई, तो तब उनका मोह खत्म हो गया, तब उनको भगवान याद आ गए। तो उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति का भी कहानी है, अवंती ब्राह्मण का कहानी है, और सबसे अच्छा कहानी राजा पुरूरवा। राजा पुरूरवा जो है भागवतम में आता है कैसे वो मोहग्रस्त हो गए उर्वशी को देखकर। वो इतने मोहित हो जाते हैं कि उर्वशी को पाने के लिए उनका राज्य भी छोड़ देते हैं, उनका राज्य राजकाज सब छोड़ के उर्वशी को पाने के लिए। तो उर्वशी कहती है कि मैं तो स्वर्गवासिनी हूं, मैं यहां थोड़ी रहती हूं। तो फिर मतलब उर्वशी को पाने के लिए उनको स्वर्ग जाना था, देखिए, और उसके लिए उन्होंने यज्ञ भी किए, तपस्या किए। तो फिर वो तपस्या करने के बाद जब उर्वशी को प्राप्त करते हैं तो फिर उर्वशी के साथ बहुत समय एंजॉय करते हैं। लंबा कहानी को शॉर्ट बता रहा हूं। तो उर्वशी के साथ लंबा समय एंजॉय करने के बाद, बहुत सालों के, हजारों साल एंजॉय करने के बाद, तब उनको एक दिन अचानक रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या किया, मैं कितना बड़ा मूर्ख बन गया, भ्रम, कितने बड़े भ्रम में जी रहा था। मेरा सारे आयु पूरा खत्म कर दिया बस एंजॉय करते समय, एंजॉय करने के चक्कर में। अब तो मेरे आयु भी नहीं बचा और मैं कितना बड़ा भ्रम है। फिर वो बताते हैं, पुरूरवा राजा का वृत्तांत आता है श्रीमद् भागवत में, वहां बताते हैं कि ये कितना बड़ा मोह है, कितना बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है, किसमें सुख है। इतने हजारों लाखों साल मैंने एंजॉय किया, अभी तक मेरी कोई संतुष्टि नहीं मिली। पहले जैसे मेरे अंदर इच्छा थे वही इच्छा अभी भी है। आप कितना भी इस आग के अंदर जितना भी ईंधन डालो, आग बुझता थोड़ी और भड़कता है, जितना भी ईंधन डालो आग कभी बुझेगा नहीं, और मांगेगा।
उसी प्रकार से हमने इतने हजारों लाखों साल मैंने एंजॉय किया, पाया क्या? फिर वही इच्छाएं अभी भी हैं मेरे अंदर, तो क्या मतलब है सब एंजॉय करने? फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि ये फिर ये बहुत भ्रामक है, फिर वो इसको सबको छोड़कर वो वैराग्य अपनाते हैं। तो इस प्रकार के पुरोरवा राजा का बहुत अद्भुत कहानी है, और उसी प्रकार से ययाति राजा का भी वही उसी प्रकार का कहानी है, भागवत में आता है। उनका भी बहुत समय उन्होंने, उनको श्राप मिलता है उनके ससुर, उनके ससुर कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से उनकी शादी होती है, पर उनको देवयानी से कोई प्यार नहीं था। असुरों का राजा की बेटी जो थी उसका नाम था शर्मिष्ठा, और ये जो शर्मिष्ठा थी देवयानी की दासी थी। तो जब देवयानी से शादी हुआ था तो उन्होंने शर्त लगाया कि मेरी बेटी के अलावा किसी और स्त्री के साथ संबंध नहीं रखा, पर वो शर्मिष्ठा से बहुत आसक्त थे, तो शर्मिष्ठा के भी बच्चे हो गए। तो ये जब पता चला देवयानी को, बहुत दुखी हो गए। फिर उनके पिताजी के पास गई और शुक्राचार्य को जब मालूम चला तो उन्होंने श्राप दे दिया। किसको? ययाति राजा को, कि आप बूढ़े हो जाओ, आपकी जवानी सब चले जाए, बूढ़े हो जाओ। जब ययाति राजा को यह श्राप मिला तो फिर बाद में उनको समझ में आया कि शुक्राचार्य को समझ में आया कि ये जो श्राप उन्होंने दिया था अपने दामाद को, तो उससे उनकी बेटी का भी नुकसान है ना, क्योंकि दामाद अगर बूढ़ा हो गया तो बेटी भी परेशान है। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगा, कुछ उपाय बताइए। फिर उन्होंने बताया, आपका जो बुढ़ापा है आप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, कोई जवान व्यक्ति उनका जवानी अगर आपको देगा तो आप अपने बुढ़ापा उनको दे सकते, ठीक है। तो फिर उनके 5 बच्चे थे, यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु। तो इन सबसे वो पूछते हैं कि आपकी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा आप ले लो, कुछ समय मुझे एंजॉय करना है, उसके बाद मैं आपको वापस दे दूंगा आपकी जवानी। तो सबने इनकार कर दिया, सिर्फ एक पुत्र जो पुरु था उनने स्वीकार किया, जवानी सब चाहते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत एंजॉय किया, अपने बेटे से जो जवानी उन्होंने लिया उससे बहुत एंजॉय किया। फिर बाद में उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप कितना भी एंजॉय करो और चाहिए और चाहिए, वो कभी कम नहीं होने वाला, वैसे पहले से भी और बदतर स्थिति में। जब वो समझ गए तो फिर उसको छोड़ दिया।